भिलाई नगर निगम क्षेत्र के जेपी नगर और कैंप 2 में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया एवं मौके पर उपस्थित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते नजर आए। भिलाई निगम क्षेत्र में फैले डायरिया से जहां क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग अपना उपचार करा रहे हैं, वहीं एक बच्ची और युवक की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई क्षेत्र के नलों में आने वाला पानी काफी दूषित आ रहा है और इसी की वजह से निगम क्षेत्र में डायरिया ने अपने पैर इस कदर पसार लिए हैं कि अब यह लोगों की जान भी ले रहा है। निगम क्षेत्र के हर दूसरे घर में लोग उल्टी दस्त की शिकायत से परेशान हैं। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बातचीत की, जहां लोगों ने जिला कलेक्टर से क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर सौतेला व्यवहार करने की शिकायत की, तो वहीं मौके पर उपस्थित भिलाई नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। जिला कलेक्टर के साथ जिला दुर्ग CMHO JP मेश्राम भी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने डायरिया की सबसे बड़ी वजह गंदे पानी को ही बताया। अभी जो उल्टी दस्त से प्रभावित हैं वो 53 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें जिला अस्पताल, सुपेला अस्पताल और यहाँ बैकुंठ धाम में अस्पताल है, यहाँ भर्ती हैं और लगातार उनकी मॉनिटरिंग हमारे चिकित्सक लोग कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियन भी है, इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है और तीनों जगह में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही देख रहे हैं। यहाँ पे बैकुंठ धाम अस्पताल जो है, इस अस्पताल में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन भी यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद यहाँ पे कैंप लगा के बैठा हूँ और हमारे वार्डों में अभी जितने भी ANM और मितानिन बहनें हैं वो सभी सर्वे लगातार कर रही हैं। कल भी सर्वे करी थी, अभी भी सर्वे लगातार चल रहा है। सभी जगह दवाइयाँ बट रही हैं, क्लोरीन बट रहा है और हम एकदम अलर्ट हैं। अभी सभी अस्पतालों में जितने भी पेशेंट हैं उनकी कंडीशन ये खबर आ रही कि अभी ठीक हैं करके, और वर्तमान में जितने भी OPD में पेशेंट आ रहे हैं, अगर हमको लग रहा है कि उनको भर्ती करवाना पड़ेगा तो हम भर्ती भी करवाने के लिए भेज रहे हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है और ट्रीटमेंट में सब अच्छा चल रहा है। सर, किस एज के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं सर? देखिए, ये उल्टी दस्त जो है वो हर किसी को प्रभावित करता है, तो बच्चे भी आ रहे हैं और जितने बड़े लोग हैं उन लोग भी आ रहे हैं। तो उल्टी दस्त से जितने भी प्रभावित लोग हैं सभी का इलाज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ में मेडिकल स्पेशलिस्ट की भी व्यवस्था करके रखी है। ये जो दो लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए, जो मौत हुई है वो एक्चुअली रात में उनको उल्टी दस्त हुआ है और सुबह सुबह उन लोग पहुँचे हैं, और इससे पहले कि उनको ट्रीटमेंट सब मिलता वो तुरंत जो उनकी मौत हो गई है तो उसकी हम जांच भी करवा रहे हैं। देखिए, हर मौसम में ऐसी उल्टी दस्त की शिकायत आती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो उल्टी दस्त की शिकायतें जिन वार्डों में आ रही हैं, ये पूरा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही मोहल्ले में है, ये 2-3 मोहल्ले में है इस बार की शिकायत, तो यही हम अभी पता लगा रहे हैं। और इसके लिए कमिश्नर जो नगर निगम है और कलेक्टर साहब हैं, खुद भी दौरा किए हैं, महापौर भी दौरा किए हैं, विधायक महोदय भी आके जा देखे हैं और हर किसी को वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है। उन लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं। निगम भिलाई क्षेत्र में डायरिया ने अपना विकराल रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, साथ ही एक बच्ची समेत एक युवक को भी मौत की आगोश में सुला चुकी है। देखना होगा कि जिला कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिक निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला किस तरह इस महामारी को रोकने में सफल हो पाता है या फिर डायरिया से होने वाली मौत के आंकड़े बढ़ते नजर आते हैं। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।